अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाभ और हानि का इंटरेस्ट। यस सर। लाभ और हानि, ठीक है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण देखिए समझेंगे। तो इसमें मान लेते हैं किसी ने एक भैंस खरीदा और उसका मूल्य है 25,000 रुपये। तो ऐसे लिख देते हैं कि भैंस का मूल्य ये है 25,000 रुपये। इतने में किसी ने भैंस खरीदा और वो थोड़ा दूर पे खरीदे हैं, तो उसको लाने और या कह लो वहाँ से घर लाने में 3,000 रुपये और खर्चा हो गया है ना। तो अतिरिक्त खर्च यहाँ पे लिख देते हैं, अतिरिक्त खर्च में क्या आएगा, मान लेते हैं 3,000 अतिरिक्त खर्च है, ठीक। और अब इतना करने के बाद भैंस को कुछ देर रखने के बाद फिर बेच देता है, और बेचने का जो मूल्य है उसको हम लोग लिख सकते हैं भैंस का विक्रय मूल्य, या आप विक्रय मूल्य ही कर लेते हैं। और मान लेते हैं उसने उसको 35,000 रुपए में बेच दिया। तो अब हमें पता करना है कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ हुआ कितने रुपए का हुआ, और उसके बाद अगर उतने रुपए का हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये भी बताना है। ये सारे प्रश्न का आंसर हम लोग लिखते हैं। देखो, जब भी हमें लाभ या हानि निकालना होता है तो उसके लिए दो मूल्य पता होना चाहिए। yes, एक क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। क्रय सॉरी विक्रय मूल्य तो हमने कह दिया 35,000 है। yes, लेकिन क्रय मूल्य कितना हुआ, 25,000। और साथ में 3,000 अलग से खर्चा किए थे ना लाने और, तो कुल मिला के इनका जो खर्चा हुआ वो 28,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो जो रियल में कहेंगे कि भैंस का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ये है 28,000, ठीक ना। 25,000 मूल्य है और उसके बाद 3,000 उसको लाने की, तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि बड़ा कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। यही से डिसाइड हो जाता है कि हमें लाभ हुआ है कि हाँ। कोई वस्तु हमने कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो पता चल जाएगा लाभ हुआ, और कम में खरीद ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए तब, और ऐसा कौन करेगा, कोई नहीं। जिसको जानकारी ना होगा वो करेगा, है ना। तो देखो यहाँ से भैंस का जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य दोनों पता है, तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय मूल्य है 35,000 और ये है 28,000, बताएंगे तो 7,000, यानी उसने 7,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ठीक ना। और अब अगर इसी को प्रतिशत में बनाना हो, प्रतिशत में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए लाभ परसेंट, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे बटा क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे में 100%। लाभ हुआ है 7,000 28,000 गुणे 100 और ये 4 से कटता है, 4 से 28 और ये 4 से 25 बार 7 से 7 तक जाएगा 25%। इसने भैंस को बेचने में 25% का लाभ प्राप्त किया।